सेकेंड पॉइंट है जो आपको नहीं करना चाहिए वो ये है कि डोंट यूज़ ट्रांजिशन विदाउट एनी पर्पस। कई बार क्या होता है, एडिटर को एक तरह से हाथ में खुजली होती है कि यार इसमें ये नया ट्रांजिशन आया हुआ है, यहाँ पर ये चीज़ डाल दें, दो वीडियो के बीच में इस तरह से 3D में घुमा दें, यहाँ पर इस तरह से जूम इन जूम आउट से हम ट्रांजिशन कर दें, कुछ ना कुछ हमेशा लगता है। क्योंकि इतने अच्छे अच्छे इफेक्ट्स अब आ गए हैं हर तरह के जो भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर हैं कि आपका मन कर ही जाएगा। देखिए ये सारी चीज़ें रहने दीजिए गांव में जो वेडिंग फोटोग्राफी होती है, वेडिंग का जो मिक्सिंग होता है उनके लिए रहने दीजिए, क्योंकि उनको बहुत सारा पैसे लेने होते हैं ये दिखा कर कि देखिए हमारे में 3D का वर्क करता है या इस तरह का हम इफेक्ट देते हैं लड़का लड़की या दूल्हा दुल्हन जो भी चीज़ें। लेकिन आप फिल्म मेकर हैं, कभी फिल्मों में फालतू का आप ट्रांजिशन देखा है क्या? ट्रांजिशन तभी दे जब एक सीन से दूसरे सीन में कन्वर्ट हो रहा है, यानी एक सीन अभी चल रहा है वहाँ से दूसरे सीन में जा रहे हैं, मैक्सिमम तो कट टू जाता है। लेकिन अगर कहीं पर जरूरत होगा पुश टू जाइए कि पुश करके एक सीन से दूसरे सीन में आ गया, या कुछ नए ढंग से करिए कि ये जैसे पीछे दीवार है हम हटे और फिर जब आए तो वाल गायब दूसरा सीन आ गया, तो ये कुछ आप ऐसा कर सकते हैं, या फिर यहाँ से हट करके ऑटोमेटिकली दूसरे सीन का जो दरवाजा है या खिड़की है यहाँ पर ड्रॉ होना शुरू हो जाए और उसके बाद उसमें दूसरा सीन क्रिएट हो जाए, तो ये VFX का एक पार्ट हो सकता है। इसमें चीज़ें अच्छी लगती हैं लेकिन ये तभी होता है जब सीन चेंज होता हो। बिना वजह के ट्रांजिशन चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो वो नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो स्टोरी को खराब करता है। आप जो दर्शक हैं उनको समझ में नहीं आएगा कि ये क्यों हो रहा है। हाँ अच्छा लग सकता है कि अच्छा कुछ हद तक वीडियो गाना है सॉन्ग चल रहा है वहां पर हो सकता है आप देने के लिए, लेकिन मुझे तो वो भी नहीं अच्छा लगता है कि बेवजह के आप कहीं भी ट्रांजिशन का यूज करें। तो इस पर ध्यान रखिएगा कि ट्रांजिशन का यूज तभी करिए जब उसकी जरूरत हो, और हर एक ट्रांजिशन का अपना मतलब होता है, नियम होता है कि कहां पर अगर हम फेड इन फेड आउट दे रहे हैं यानी ब्लैक करके फेड आउट करके फेड इन करते हैं, या फिर हम क्रॉस ट्रांजिशन करते हैं यानी एक मिक्स होते हुए दूसरा वीडियो आता है, तो हर एक का अपना अपना मतलब होता है। जो एडिटिंग के विस्तार से जब आप पढ़ेंगे इसके बारे में, विस्तार से इसके बारे में जानेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कहां पर फिल्म को या स्टोरी को उभारने के लिए किस किस तरह का ट्रांजिशन का यूज किया जाता है। लेकिन बिना मतलब के ट्रांजिशन नहीं करना है। कंटिन्यू टू नेक्स्ट पार्ट। कर कुछ ऐसा सभी बने तेरे जैसा, कर कुछ ऐसा सभी बने तेरे जैसा, कर कुछ ऐसा सभी बने तेरे जैसा। सोचा है अगर फिल्म इंडस्ट्री में आने का तो यही वक्त है, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं।